जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टअप हब इंडिया के 91% स्टार्टअप जो है वो बेंगलोर से स्टार्टअप होते हैं, स्टार्ट होते हैं कर्नाटक के जो स्टेट है, और ओनली फॉर 9% स्टार्टअप्स जो है वो सिर्फ इंडिया के ऑल ओवर इंडिया से होते हैं, उसमें से 91% जो है कर्नाटक से होते हैं। कर्नाटक के अंदर बेंगलोर सबसे बड़ा इसका बड़ा उदाहरण। तो मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की, ठीक है, जो कि स्टार्टअप हब्स है पूरे इंडिया का कर्नाटक, ठीक है, जितने भी ब्रांड चल रहे हैं हमारे देश के, चाहे वो फ्लिपकार्ट, जोमेटो, अबर, ओला कितने भी हो, सब कुछ जो है कर्नाटक स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, सारे के सारे स्टार्टअप जो कर्नाटक से आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पढ़ाई भी होती होगी इसलिए स्टार्टअप आते हैं, ठीक है, अनपढ़ लोग तो करते नहीं होंगे स्टार्टअप, तो एडमिशन लेना गलत बात तो है नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के अंदर, राइट। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका इज द लीड यूनिवर्सिटी इन कर्नाटक, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में चलती है। तो देख लेते हैं इसका क्या प्रोसेस है एडमिशन का। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक जो है वो एडमिशन प्रोसेस जो है, जैसे ही एनटीए रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आएगा रिगार्डिंग रिजल्ट, उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट उसको देने होंगे, अपना स्कोर कार्ड देना होगा उसको, उसकी कुछ स्पेसिफिक फीस होगी जैसे 200, 250, 100, 0 कुछ भी हो, ठीक है। वो देने के बाद जितने बच्चे अप्लाई करेंगे, जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसके आधार पे मेरिट बेस के ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका बच्चों को सिलेक्ट करेगी कि आपका एडमिशन हो गया है, आप फीस जमा कर दीजिए। अगर बच्चे एडमिशन कैंसिल कर देते हैं या फिर फीस जमा नहीं करते, सीटें खाली बच जाएंगी, फिर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका फिर से स्पॉट राउंड वगैरह कंडक्ट करके सीटें भरी जाएंगी। ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का एडमिशन प्रोसेस होता है। और इसकी जो पढ़ाई है वो आप जानेंगे होंगे कि पढ़ना को जो कर्नाटक है वो लीड यूनिवर्सिटी है, तो स्टेट है इंडिया का टॉप स्टेट, तो आप जान सकते हैं कर्नाटक की क्या वैल्यू है, तो इसके यूनिवर्सिटी की भी तो वैल्यू होगी ना। तो जस्ट इसकी कुछ एग्जाम्स है, फैसिलिटी है, फीस है, स्कॉलरशिप है, वो कुछ जान लेते हैं अपन। और अगर यहाँ के प्लेसमेंट शेयर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, और अगर कोर्स और स्कॉलरशिप की अगर बात की जाए तो